हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज की जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके रीएडमिशन से ये टॉपिक है। उम्मीद है कि आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपके काम की नहीं है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि YouTube इसे उन लोगों तक पहुंचा सके जिनको इनकी ज़रूरत है। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखने के साथ साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको अदर नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। इग्नू में आपको कितने साल हुए हैं, यानी कि आप कौन से ईयर में हैं, ये ज़रूर लिखिएगा। और क्या आपकी डिग्री फाइनल हो चुकी है, वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। बात करते हैं एडमिशन्स की। तो एडमिशन्स अभी कंटिन्यू चल रहे हैं ऑनलाइन मोड पे, यानी कि आप ऑनलाइन और आपका यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग के ODL प्रोग्राम के माध्यम से भी। लेकिन आज हम एडमिशन्स की नहीं, री एडमिशन्स की बात करने वाले हैं। री रजिस्ट्रेशन की बात भी हम आज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, याद दिला दूँ कि जो स्टूडेंट री रजिस्ट्रेशन नहीं करते उनको एग्जामिनेशंस में अपियर होने नहीं दिया जाएगा। टर्म एंड एग्जामिनेशंस का फॉर्म आप नहीं भर सकते। 31 अगस्त 2023 आखिरी तारीख है जुलाई 2023 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करना। यहाँ मैं बात करती हूँ री एडमिशन्स के बारे में। री एडमिशन फॉर्म ये एक ऐसा कॉमन फॉर्म है जो सारे प्रोग्राम्स के लिए ज़रूरी है, अदर देन MP और MPB। डिटेल्स शो इन टेबल। सिर्फ MP और MPB के लिए। यहाँ पे बात करती हूँ जितने भी प्रोग्राम्स इग्नू में हैं, अगर आप री एडमिशन्स कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं री एडमिशन क्या है। वैसे आपको बता दूँ, जैसे ही आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं, री एडमिशन आपको एक डेट दी जाती है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो आपकी वैलिडिटी 2 साल की है, आपके कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की है, और मैक्सिमम आपको 5 साल का समय दिया जाएगा, ऐसा आपको कहा जाता है। लेकिन आपने वो 5 साल का भी ड्यूरेशन क्रॉस कर गए और आपका एडमिशन इनवैलिड हो गया, फिर आपको अपनी एडमिशन की वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए री एडमिशन फॉर्म भरना ज़रूरी होता है, तभी जाके आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि अगर हमारा एडमिशन का ईयर एक्सपायर हो गया है तो हमें फिर से न्यू एडमिशन लेना होगा। नहीं, न्यू एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप री एडमिशन कीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब मैं बात करती हूँ पूरे डिटेल के साथ, ज़रूर सुनिएगा। अगर आप इसे आपको स्लो लग रहा है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बात कर रही हूँ सबसे पहले कि आपको कितना एक्सटेंशन मिल सकता है, ये भी देख लीजिए। अगर आप मास्टर डिग्री का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं MCA को छोड़कर, तो आपकी जो कार्य की अवधि होती है, यानी कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन होता है 2 साल, लेकिन आपको री एडमिशन के बाद 2 साल का ही एक्सटेंशन मिलेगा। अगर आप कोई भी स्नातक डिग्री, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे हैं, 3 ईयर की वैलिडिटी होती है, एक्सटेंशन के बाद यानी कि री एडमिशन के बाद 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा। डिप्लोमा PG डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनके लिए आपको 1 साल की उनकी जो डिप्लोमा की डेट होती है, लेकिन आपको एक्सटेंशन के बाद 1 साल का और समय दिया जाएगा। सर्टिफिकेट जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 6 मंथ, और आप री एडमिशन के बाद 6 मंथ का समय आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करें, अप्लाई करने का तरीका क्या है। करेंटली इग्नू की तरफ से जो ऑनलाइन मेथड है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो भी कैंडिडेट करना चाहते हैं उसे ऑफलाइन ही सबमिट करना होगा। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगी? ये फॉर्म आपको यहाँ मिलेगी। आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाइए और वहाँ से ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं, आपको केयरफुली इसे पूरी तरीके से पढ़ना है सारे इंस्ट्रक्शन के साथ। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको री एडमिशन्स के जो चार्जेस हैं, कितने फ़ी लगते हैं, ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्स के अलग अलग फ़ी देखने को मिलेंगे। फ़ी स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है कि 2022 में जो फ़ी थी वो 2023 में भी होगी, ये ऊपर नीचे होते रहता है। ये इग्नू की मर्जी है कि वो कितना लेना चाहता है। फिर भी आप इसके डाटा को चेक कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर का डाटा है उसके अकॉर्डिंग कि कितनी फ़ी लगती है। ये बात ध्यान में रखिए कि आपको सेपरेटली फ़ीस जमा करनी होती है, प्रैक्टिकल की अलग, थ्योरी पेपर की अलग। जैसे कि आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी आपको अलग से ही यहाँ पे फीस सबमिट करना होगा अकॉर्डिंग टू क्रेडिट। क्रेडिट क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया है, उम्मीद है आप समझते होंगे। इम्पॉर्टेंट डेट फॉर सबमिशन, अब बात यह है कि कब से कब तक इसे सबमिट किया जाए। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आप
जुलाई सेशन के एग्जामिनेशंस में सबमिट होना चाहते हैं, मतलब कि अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, आपका जुलाई का सेशन है तो 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच का आपको सबमिट करना होगा। अगर आपका दिसंबर सेशन है तो आप 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक के बीच में इसे सबमिट कर सकते हैं, जिसकी डेट यहाँ पे भी मेंशन है, आप देख सकते हैं डेट्स फॉर सबमिशंस आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट आप सबके लिए है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ये भी बात ध्यान से सुन लीजिए। इंस्ट्रक्शन और प्रोसीड्यूर क्या है रीएडमिशंस का, तो 2022 के अकॉर्डिंग जो हुआ है मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। अगर आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है रीएडमिशन का फॉर्म, तो आप इसे लेकर सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है अपना फुल नेम, फुल एड्रेस विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो ये आपके फाइनल रिजल्ट और मार्कशीट पे भी प्रिंट होगा, तो आप इसे मिस्टेक ना करें। करेक्ट ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, क्योंकि इससे आपको बेटर कम्युनिकेशन होगा, जितनी भी OTPs आएंगी वो आपके पास ही आएंगी और इन्फॉर्मेशन और अनाउंसमेंट भी आपको उसी में जानकारी मिलेगी। एंटर प्रोग्राम कोड, आपको यहाँ पे कंप्लीट अपना प्रोग्राम कोड भी डालना है, क्योंकि अगर आप इसे प्रोग्राम कोड सही से नहीं देते तो फिर फाइंड आउट नहीं होगा और इसमें मिस्टेक होगी। आपको अपना प्रोग्राम कोड कहाँ मिल जाएगा आप अपनी ID पे देख लीजिए। एंटर योर प्रीवियस इनरोलमेंट नंबर, जो भी इनरोलमेंट नंबर है आपका आप उसे डालिए, फिर अपना सेंटर कोड आप यहाँ पे ज़रूर लिखिए, रीजनल सेंटर कोड भी लिखिए, और आपको यहाँ पे आपका स्टडी सेंटर कोड नहीं मांगेगा, लेकिन रीजनल सेंटर कोड आपको यहाँ पे देना ही होगा। डिस्क्राइब करना है जितने भी सब्जेक्ट हैं आप यहाँ पे उसे, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रीवियसली आपका छूट गया है या आपने उसमें एग्जामिनेशन नहीं दिया है, या फिर कोई भी ऐसा ईयर फुल सेमेस्टर या ईयर है जिसकी आपने एग्जामिनेशंस नहीं दी है, उसे भी आप डिटेल से भरिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है कि कितने कोर्स हैं और टाइटल दिया गया है, क्रेडिट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर भरें और उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, डिटेल ऑफ मेड DD फॉर एडमिशन फी। अब यहाँ पे आप सबमिट कहाँ करें, किसको करें, तो डिमांड ड्राफ्ट आपको इस एड्रेस पे सबमिट करना है, ठीक है। आपका जो पेमेंट फी मेथड रहेगा उसे आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अपने पेमेंट को कर सकते हैं, यही एक है, आपको इसी एड्रेस पे इसे भेजना होगा। अगर आपको इस चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप अपने स्टडी सेंटर से जाके कंसर्न कर सकते हैं। रूल्स और गाइडलाइंस क्या है री एडमिशन्स की, तो देखिए इग्नू में चेंज और रिवाइज द फी एट एनी टाइम दे वॉन्ट, कभी भी वो अपना फी चेंज कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉम्पोनेंट्स यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए अलग से सेपरेटली फी सबमिट करना पड़ेगा। आपको स्टडी मटेरियल्स यहाँ प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे री एडमिशन्स के बाद। कैंडिडेट को यहाँ पे ओल्ड कोर्स के लिए कैंडिडेट कैन टेक एडमिशन, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है जो ओल्ड कोर्स से हैं वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो कोर्स अभी अभी वर्तमान में उसकी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाई जा रही है, तभी जो ओल्ड कैंडिडेट है ओल्ड कोर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब एक बार आप फी पेमेंट कर देते हैं रिफंड नहीं होगा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। BCA और MCA के लिए जो री एडमिशन्स की वैलिडिटी है वो 8 साल की होती है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। जैसे ही आप सारी चीज़ें कर लेती हैं आपको कुछ दिन के बाद, जैसे ही ये डिमांड ड्राफ्ट सबमिट हो जाता है आपको ये कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन ईमेल पे आ जाएगी, उसके बाद आप अपना आगे की प्रोसेस यानी कि आप अपने एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल गई होगी। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।